लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में महज 9 दिन का वक्त बाकी है। बीजेपी के 370 प्लस और एनडीए के 400 पार के टारगेट साधने के लिए पीएम मोदी खुद चुनाव प्रचार अभियान की कमान थामे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार जारी रखेंगे। पीएम मोदी आज 3 राज्यों के चुनावी दौरे पर पहुंच रहे हैं। यूपी में वो पीलीभीत में रैली को संबोधित करेंगे, मध्य प्रदेश के बालाघाट में जनसभा को और तमिलनाडु भी जाएंगे, जहां चेन्नई में रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज प्रचार अभियान का आगाज उत्तर प्रदेश से करेंगे। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी पीलीभीत से बीजेपी उम्मीदवार और योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद के समर्थन में रैली करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे मध्य प्रदेश के बालाघाट जाएंगे, बीजेपी प्रत्याशी भारती पारधी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के बाद पीएम मोदी तमिलनाडु पहुंचेंगे, जहां शाम 6 बजे 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। यह रोड शो साउथ चेन्नई और सेंट्रल चेन्नई लोकसभा क्षेत्र से होकर गुजरेगा। साउथ चेन्नई सीट से बीजेपी ने तिमिसलाई सौंदरराजन को टिकट दिया है। सेंट्रल चेन्नई सीट से विनोद पी सेल्वम डीएमके के दयानिधि मारन के खिलाफ मैदान में है। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार कर रही हैं। वो हर रोज कम से कम 2-3 राज्यों का दौरा कर रहे हैं। कल वो महाराष्ट्र के चांदपुर पहुंचे। ये वो इलाका जो आदिवासी बहुल है, प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, लेकिन आज भी पिछड़ा है। लिहाजा पीएम ने सबसे पहले वहाँ के हालात और विकास की बात की तो कांग्रेस पर आरोपों की बौछार कर दी। ये लाल आतंक किसकी देन था? मोदी किसी शाही परिवार में पैदा होकर प्रधानमंत्री नहीं बना। कांग्रेस पार्टी खुद ही समस्याओं की जननी है। वो कौन पंजा था जो 85 पैसे मार लेता था? चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी चंद्रपुर से ही महाराष्ट्र में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी। कोयले की खदानों के लिए मशहूर चंद्रपुर से उन्होंने इशारों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा और पूरे महाराष्ट्र को संदेश दिया। मोदी किसी शाही परिवार में पैदा होकर प्रधानमंत्री नहीं बना। मोदी एक गरीब परिवार में जन्म लेकर आपके बीच रहकर यहाँ तक आपने पहुँचाया है, और इसलिए मुझे पता है जिन करोड़ों देशवासियों के पास अपना घर नहीं था, उनमें ज्यादातर दलित पिछड़ा आदिवासी ही थे, जिनकी बस्तियों में पीने को पानी नहीं था, बिजली नहीं, सड़कें नहीं। इसी समाज के बच्चों को शिक्षा के अभाव से सबसे ज्यादा जूझना पड़ता था। मोदी ने गारंटी दी थी कि हमारी सरकार दलित आदिवासी और पिछड़ा परिवारों का जीवन बदलने के लिए काम करेगी। देश में गर्मी के साथ साथ सियासी पारा चढ़ रहा है। चंद्रपुर की सियासी तपिश के बीच पीएम ने कांग्रेस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने, तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया और चुनावी माहौल को फिर गर्म कर दिया। कांग्रेस पार्टी खुद ही समस्याओं की जननी है। देश का विभाजन हुआ मजहब के नाम पर, ये विभाजन किसने करवाया? कश्मीर में समस्या किसने पैदा की? देश दशकों तक आतंकवाद का शिकार रहा। आए दिन कहीं भी बम ब्लास्ट हो जाते थे। तुष्टीकरण के लिए आतंकवादियों को संरक्षण कौन देता था? नक्सलवाद जैसी समस्या इतनी विकराल हो गई। ये लाल आतंक किसकी देन था? चंद्रपुर से पहले पीएम मोदी एक आदिवासी इलाके में पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में उन्होंने छोटे आमाबाल में विजय संकल्प शंखनाद रैली को संबोधित किया। पीएम ने यहां भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस की सरकारों के समय भ्रष्टाचार ही देश की पहचान थी। भ्रष्टाचार से अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का होता है तो वो गरीब का है। 2014 से पहले लाखों करोड़ रुपए के घोटाले होते थे। कांग्रेस की सरकार में दिल्ली से 1 रुपया निकलता था और सिर्फ 15 पैसा गांव तक पहुंचता था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसा ही पहुंचता है। अरे भाई बताओ ना, वो कौन पंजा था जो 85 पैसे मार लेता था? पीएम अपनी रैलियों में इंडिया गठबंधन खासकर कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दिए। उनका प्रचार अभियान फिलहाल उन इलाकों पर फोकस कर रहा है जहां पहले दौर में वोटिंग होनी है, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी वार पलटवार का दायरा भी बढ़ता जा रहा है।